समझिए कि करना क्या होगा। अभी आपने क्या सीखा, अपवर्त सीखा, तो आप दोनों का सिक्स का भी अपवर्त लिखेंगे, सिक्स का अपवर्त लिखेंगे और आप किसका अपवर्त लिखेंगे, एट का। तो पहले सिक्स का लिख लेते हैं, तो क्या होगा, छह, छह गुना बारह, फिर अठारह, फिर क्या होगा चौबीस, फिर तीस, फिर छत्तीस, फिर बयालीस, ऐसे डाट 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 और अपवर्त हम लिख सकते हैं। अब किसके लिखेंगे अपवर्त, आठ का अपवर्त, आठ का अपवर्त लिखेंगे, तो आठ का भी टेबल लिखेंगे, बोलिए यस सर, आठ, फिर आठ गुना के सोलह, फिर चौबीस, फिर बत्तीस, फिर चालीस, फिर अड़तालीस, फिर छप्पन, जी बिल्कुल, इसके आगे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी तो अपवर्त लिखा है आपने, जब अपवर्त लिख लेंगे तभी समापवर्त आएगा, क्योंकि नाम ही है इसका सम अपवर्त, मतलब अपवर्त में जो समान हो, मतलब छह और आठ का जो अपवर्त आपने लिखा है इसमें जो समान अपवर्त मिलेगा वही छह आठ का क्या होगा, समापवर्त। तो नीचे मैं लिखता हूं कि छह आठ का समापवर्त, क्या, छह आठ का समापवर्त। बहुत ध्यान से यहां पे सुनिएगा, बहुत आराम से ये कर पाएंगे आप। देखिए आपके दिमाग में दो तीन बातें आएंगी कि सर जब समापवर्त निकालना है तो मैं छह का कितना अपवर्त लिखूं, भाई आएंगे दिमाग में आपके, अभी चल रहा होगा कि सर जी आप कैसे जान पा रहे इतना ही लिख रहे हैं और आगे लिखिए या और कम लिखिए, है ना, प्रश्न बनता है। आठ का अपवर्त आप लिख रहे हैं तो और ज्यादा सर जी लिखिए, छह और कम इतना ही क्यों लिखे। देखिए आप कम से कम उतना अपवर्त लिख लीजिए जितना आप टेबल जानते हैं, दस बार तो लिख ही सकते हैं ना, दस बार लिख लीजिए, उससे ज्यादा भी कभी कभी लिखना पड़ सकता है, कैसे जानेंगे यही ध्यान से समझिए। जैसे अब हम चलेंगे ना दोनों के अपवर्त में ढूंढेंगे, दोनों के अपवर्त में ढूंढेंगे कौन ऐसा पहला नंबर है जो दोनों में मिल जाए, जैसे छह तो दोनों में है, आठ भी नहीं है, बारह भी दोनों में नहीं है, सोलह भी नहीं है, अठारह भी नहीं है, लेकिन चौबीस दोनों में है, चौबीस दोनों में क्या है, मिल गया। अगर आगे और बढ़ेंगे तो अड़तालीस मिलेगा, जैसे छह सत्ते बयालीस आपने लिखा है, छह बटे अड़तालीस लिखेंगे तो लिखेंगे तो देखिए अड़तालीस मिल गया क्या। तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जब लिख रहे हैं तो उसमें जो पहला मिल जाए, पहला नंबर जो दोनों में मिल जाए ना, अब इसी का गुणज लिख दीजिए, जैसे 24 गुना के क्या होगा 48, बताइए आगे 48 मिला। अगर और पहाड़ा आगे तक लिखते जाएंगे तो आगे मिलेगा 24 नहीं आएंगे, ये 24 चौको 24 पच्चे 120, ऐसे आपको मिलता चला। समझ पाए कुछ हमारे बात, कि जब भी हमें नंबरों का समापवर्त निकालना होगा, मान लीजिए दो नंबर दिया है, तीन नंबर भी दे सकता है, तो हम तीनों नंबर का अपवर्त लिखेंगे, उसके बाद अपवर्त लिखने के बाद मिलाएंगे तीनों नंबरों में या दोनों नंबरों में कि क्या दोनों में वो कौन से ऐसी संख्या जो दोनों में अपवर्त में दिखाई दे रही है, जो पहला नंबर दिखाई दे रहा वही हमारा पहला समापवर्त होगा, ठीक उसी का टेबल हम पढ़ देंगे तो हमारे जितने भी समापवर्त निकालना होगा हम निकाल देंगे। यहां पर फिर एक बात याद दिलाऊं, जैसे मैंने बताया था कि अपवर्त में आपसे कोई पूछेगा तो बोलेगा या क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा कि पांच अपवर्त लिखिए इसके, इसके सात अपवर्त, उसी प्रकार अगर समापवर्त का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें भी लिखेगा कि छह आठ के पांच समापवर्त लिखिए, छह आठ के चार समापवर्त लिखिए, छह आठ के बारह समापवर्त, समझ रहे हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि जब पूछेगा पांच को तो हम पांच ही लिखेंगे, ज्यादा पूछ रहा है या नहीं दिया है कितना तो हम डाट 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 करके दो चार ठो लिख के डाट 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 करके छोड़ देंगे, कि ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है सबको, yes, समापवर्त एक बात क्लियर हो गई है, yes, इसके पहले आपने सीखा रहा अपवर्त, अब सीख लिया आपने समापवर्त, yes, इसको नोट करें, मैं इसके फिर होमवर्क दूंगा आपको, फिर मैं पूरी बात आपको सिखाता हूं कि लघुत्तम समापवर्त क्या हो, समझ रहे हैं बात, नोट करें। चलिए तो आप लोगों को समापवर्त में भी होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, एच डब्ल्यू होगा आपका, पांच समापवर्त आपको निकालने हैं, कितने फाइव समापवर्त निकालने हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रहा हूं,
आपको निम्न के पांच समापवर्त निकालने हैं, क्लियर है? अब दे दे रहा हूं क्वेश्चन यहां पे आपको 8, 12, दूसरा है क्वेश्चन आपका 12, 16, तीसरा क्वेश्चन आपका होगा 9, 12, और चौथा क्वेश्चन आपका एट लास्ट है ये, चौथा हो जाएगा 16, 18, ये भी आप लगा के लाएंगे घर से, ठीक है?